जनता पार्टी जिंदाबाद रघुप्रताप भैया जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद 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 राजा भैया जिंदाबाद 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 जनसत्ता दल पार्टी जिंदाबाद 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 रघुराज प्रताप जिंदाबाद 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 राजा भैया जिंदाबाद 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 राजा भैया जिंदाबाद 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 राजा भैया जिंदाबाद 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 जनसत्ता पार्टी जिंदाबाद 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 सारा इंडिया पैसा दे सारा इंडिया पैसा दे हमारी मांगे पूरी हो 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 पूरी हो सारा इंडिया पैसा दे सारा इंडिया पैसा दे सारा इंडिया पैसा दे सारा इंडिया पैसा दे हमारी मांगे पूरी हो हमारी मांगे पूरी हो हमारी मांगे पूरी हो हमारी मांगे पूरी हो सारा इंडिया पैसा दे सारा इंडिया पैसा दे हमारी मांगे पूरी हो सारा इंडिया पैसा दे हमारी मांगे पूरी हो सारा इंडिया पैसा दे 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 हमारी मांगे पूरी हो हमारी मांगे पूरी हो हमारी मांगे पूरी हो हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी 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 हो हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो नमस्कार दोस्तों आ रहे हैं नमस्कार दोस्तों मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव आप देख रहे हैं TV7 न्यूज यूपी आपका स्वागत है। हम आपको बता दें सहारा इंडिया परिवार के एजेंटों एजेंट के द्वारा पटरी दुकानदार घरेलू महिलाएं कई रोजगार करने वाले लोगों से पैसे ज़्यादा देने के एवज में पैसा जमा कराया गया। हम आपको बता दें पैसा काफी दिनों से सहारा में जो जमा है वो ग्राहकों को नहीं मिल पा रहा है, ये लंबा समय चल रहा है। ये प्रशासन की कहीं ना कहीं कमी भी है कि सहारा के एजेंट बाजार से पैसे उठा रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं, और नतीजा ये हुआ है जब पैसे उनको देने की बात आती है तो एजेंट भाग खड़े होते हैं, समय से उनको पैसे नहीं मिलते हैं। ये स्थितियां बनी हुई हैं, लेकिन लगातार सहारा परिवार के एजेंटों के द्वारा ग्राहकों से पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस मामले को लेकर पूरी तरीके से देखा जाए चुप्पी साध। आज आपको बता दें कलेक्ट्रेट में काफी दूर से ग्रामीण आए हुए हैं, इनका पैसा जमा है और पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। इनकी क्या मांग है, आज प्रदर्शन कर रहे हैं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी से। पार्टी के नेता भी यहाँ पे मौजूद हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं जो पैसा जमा किए हुए हैं। जनसत्ता पार्टी के हमारे नेता हैं, उनसे हम बात करते हैं। पहले तो आप अपना परिचय बताओ। सहारा में लोगों का पैसा गाड़ी का माइल जमा है वो जनता को मिले, काफ़ी जनता परेशान है, एजेंट नहीं सुन रहा है, ब्रांच मैनेजर नहीं सुन रहा है, जहाँ जहाँ लोग जा रहे हैं सुनवाई नहीं हो रहा है। इसको लेकर के आज हम सब डीएम साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं, तो डीएम साहब के संज्ञान में लेकर के चीज़ों को आगे बढ़ाएं और हमारे जनता की गाढ़ी कमाई जो जमा है वो मिले। गाढ़ी कमाई जो जमा
है शादी विवाह के लिए जो रखा था। मना कर रहा हूँ यार, एक मिनट बनवाने, जब मना कर रहा हूँ घूमने ढूंढ के भैया बोला चलो है बोलते मकान के लिए पैसा जमा करा थोड़ा थोड़ा करके आज काफ़ी पैसा हो गया है। शायद आज एक छोटा सा कमरा चाहे टीन सेट ही उनका तैयार हो जाता, या बेटी की शादी कर लेते, बेटे को पढ़ा लेते, सारे लोगों का काम धाम रुका हुआ है, पूरी जनता परेशान। अभी भी एक छोटा आंदोलन है, अगर सरकार या डीएम साहब हम सबकी मांग को नहीं आगे बढ़ाते हैं तो हम सब एक बड़ा आंदोलन करेंगे, धरने पर भी बैठेंगे। अब ये सरकार को सुनना पड़ेगा, ये जनता की आवाज़ है, क्योंकि जनता के ही भरोसे सरकार चलती है। अगर जनता ही हमारी परेशान रहेगी तो सरकार कैसी, तो हमें ये बात अपनी सरकार तक पहुँचानी है और जनता का पैसा जो है जनता तक पहुँचना चाहिए। शायद ये सुनने में आ रहा है कि जनता का पैसा सेबी में गया है, लेकिन सेबी को सरकार को भी सेबी को चाहिए उसको आर्डर करे कि जनता का पैसा रिफंड करे। एजेंट भी आज भाग गए हैं मार्केट से, उन्हें सुन रहे हैं। डीएम भी हमारी बातों को सुनने को तैयार नहीं है, जब ऊपर से आदेश होगा तो मिलेगा, लेकिन इसमें कहीं कहीं लग रहा है कि सरकार हमारी कोई नहीं। तो सरकार को जगाने के लिए आज हम सब धरना प्रदर्शन क्या एक फ्लैग मार्च करते हुए आए हैं और डीएम साहब को ज्ञापन देंगे। डीएम साहब से ये अनुरोध है कि हमारी बातों को आगे तक पहुँचाएँ, आगे तक जब हमारी बातें पहुँचेगी, संख्या हमारी बढ़ेगी, तो शायद इन जनता का भलाई हो सकता है, इनको पैसा मिल सकता है। कितने दिनों से ये सहारा का पैसा लोगों को मिला? करीब 5-6 साल से, जिसकी मैच्योरिटी हो गई है 5 साल की, एफडी उन्होंने किया था, 5 साल पूरा हो गया, पूरा होने के बाद 2 साल बीत गया है, आज भी पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। लोगों ने सोचा था मैंने 1 लाख रुपया जमा किया है आने वाले, अच्छा इन्होंने लालच किया हम 5 साल में 6 साल में दूना कर देंगे। कम समय में दूना करने का प्रलोभन दे करके जनता का पैसा उठाया गया और जब पूरा भी हो गया, प्रलोभन दे के चलिए 3 साल में आपका दूना हो जाएगा, 4 साल में दूना हो जाएगा, उसी पैसे की उन्होंने फिर पलट दिया। पलटने के बाद भी आज उनका कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई पेमेंट नहीं हो रहा। तो ये क्या स्थिति है पूरे जिले में बनी हुई है? पूरे जिले की क्या, पूरे देश की, पूरे प्रदेश की स्थिति है, ये तो पूरे देश के लोग इसमें फंसे हुए हैं। जनसत्ता पार्टी मुद्दे को लेकर उठा रही है, लगभग कितने लोगों का पैसा सहारा में जमा होगा और नहीं मिलता? ऐसे तो अगर पूरे प्रदेश का देखा जाए तो कई करोड़ लोग, अगर अम्बेडकर नगर जिले का ही देखा जाए तो करोड़ों के ऊपर जमा करता, चाहे वो अपना डेली बेस खाता चला रहे थे या मंथली बेस खाता चला रहे थे या वो वार्षिक जमा किए थे या उन्होंने फिक्स किया था, इस टाइप के कम करोड़ों लोग अपने अंबेडकर नगर जिले से ही। तो हमारा ये कहना है कि सारे लोग अगर इस न्यूज़ पे आज देख रहे हैं तो सारे लोग पूरे जिले से अनुरोध है कि अपनी आवाज़ को उठाएँ, हम सबके साथ में कंधा से कंधा मिला के चलें। जब हम अपनी आवाज़ उठाएंगे तो हमारी मांगे पूरी होंगी। कहीं ना कहीं अगर पीछे भी देखा जाए तो लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई है और उनकी मांगे पूरी हुई। आज अंबेडकर बाबा के पार्क में हम सब खड़े होकर के उनकी सौगंध लेके, क्योंकि संविधान उन्होंने बनाया था, संविधान के तहत हमें लड़ाई लड़ने का अधिकार है, जो बाबा जी ने संविधान बनाया है उस संविधान के तहत हमें अपनी लड़ाई लड़ने का अधिकार है। आज इस अंबेडकर पार्क में बाबा जी के मूर्ति के बगल में, बाबा जी की मूर्ति है बगल में, हम सब ये प्रयास करेंगे पूरे जिले के लोग आए, पूरे प्रदेश के लोग आए, इसको एक बड़ा मुहिम बना के आगे बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री से क्या मांग करेंगे सारा इंडिया का पैसा? हमारे जो CM जी हैं श्री आदित्यनाथ योगी जी, हम उनसे अपने जनता की आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपना इन्वॉल्व थोड़ा सा ध्यान दें कि हमारी जनता की पैसा उनको मिले, क्योंकि कहीं कहीं उनकी गाड़ी कमाई और आज वो छोटे छोटा पैसा करके बड़ा हो गया है। कोई सोचा था हमारे बेटियों की शादी हो जाएगी, अपने बच्चे को पढ़ा लेंगे या अपना एक छोटा सा मकान बनवा लें या कोई काम अपना सोचे थे, लेकिन आज उनका नहीं हो पा रहा है। अब इस पैसा निकलवाने के चक्कर में कहीं कहीं 10-20 रुपया 100 रुपया वो और खर्च कर रहे हैं,
ऑफिस तक जा रहे हैं, एजेंट के पास जा रहे हैं, कहीं कहीं अपना काम धाम बंद करके आज उनकी रोजी रोटी करके शादी को 400-500 रुपया वो कमाते हैं, लेकिन आज अपना पूरा दिन निकाल के यहाँ DM साहब के पास आए हैं, साथ आज उनकी रोजी रोटी बंद हो गई। ये बताइए क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका? वंदना जी, किस क्षेत्र की रहने वाली है आपको? सहारा में कितना पैसा होगा आपको? 1,00,000 रुपए से बच्चे होंगे। अरे बहुत दिन से तो क्या बात करने पे क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री से? क्या मांग करेंगे? दादी क्या नाम है आपका? विद्यावती जी, ये बतावा कि आप पैसा जमा किए हुए हैं और पैसा नहीं मिल रहा है समय से, कितने दिन से नहीं मिल रहा है? बहुत दिन से ना मिल रहा है। अरे यार बिचौलम कहाँ का बात है? किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? बहुत समस्या काटियों का हम पैसा जमा किए हुए हाँ, बहुत कष्ट काट कर हम पैसा जमा किए और हमारे लड़की शादी करें हमें पैसा नहीं उठा। कितना होगा? अरे 1,70,000 है। कहाँ से रहने वाली हैं? गरीब पति से। ये बताइए क्या नाम है आपको? मीरा जी कहाँ से रहने वाली हैं आप? जी कितना होगा सहारा में पैसा? कितने दिनों से फंसा हुआ है? 25 साल हो गया। तो अभी जमा कर रही है? क्या नाम है? कमला देवी जी क्या करती हैं? क्या जब क्या काम करके आपने पैसा जमा किया? मजदूरी करके पैसा जमा किया। सची कितना पैसा होगा? पैसा आपका पड़ा हुआ है नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? घर राजा को आपका भी पैसा कहाँ रहा है? क्या नाम है आपका? शशिकला जी क्या मजदूर आपके पति ने पैसा दिया था जो जमा किया? अच्छा, तो क्या करते हैं आपके पति? कितना होगा सारा? अभी एजेंट से क्या बात होती है, क्या कहते हैं वो? यहाँ की महिलाएं, ये इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र से संबंधित है महिलाएं, ज़्यादातर इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र से हैं, नगर पंचायत इल्तिफातगंज के आसपास के ही रहने वाले हैं और विद्युत नगर क्षेत्र के रहने वाले। ये उपभोक्ता आए, ग्राहक आए हुए, इनका कहना है कि इनका पैसा जमा है और ग्राहकों को दारा नहीं दिया जा रहा। इनका कहना है कि एजेंट बार बार जब मांगा जाता है तो वो आनाकानी करता है, ऐसे में मुख्यमंत्री से लोगों की मांग है कि इनका पैसा जमा इनको उपलब्ध कराए। अब देखना होगा, पहली बार जिले में सहारा पैसे को दिलाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन हुआ है। अब देखना होगा जिला प्रशासन इनके पैसे दिलाने को लेकर क्या कदम उठाता है। मैं प्रफुल श्रीवास्तव, TV7 न्यूज, सहयोगी पंकज शर्मा के साथ। जनता पार्टी जिंदाबाद, रघु प्रताप भैया जिंदाबाद, राजा भैया जिंदाबाद, जनसत्ता दल पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, रघुराज प्रताप जिंदाबाद, राजा भैया जिंदाबाद, जनसत्ता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, सहारा इंडिया पैसा दे, सहारा इंडिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं
TV7 न्यूज UP। दोस्तों, यह चैनल आपके सहयोग से दिनों रात आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, निकाय चुनाव जमघट कार्यक्रम हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, आपसे अपील है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। आपका यह सहयोग चैनल के लिए महत्वपूर्ण होगा। आपसे अपील है कि हमसे जुड़ने के लिए बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार।